नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलेंगे, बढ़ती यात्री मांग के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने जोधपुर और गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव ट्रेन ऑन डिमांड योजना के तहत है, जिसका उद्देश्य उच्च मांग को पूरा करना, यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना है। यह प्रस्ताव जबलपुर स्थित नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय द्वारा जारी एक दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया, जो IRTTC यानी कि इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी 2024 सम्मेलन के दौरान 11 अप्रैल 2024 को हुई चर्चाओं का परिणाम है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस सेवा की मांग को रेखांकित किया गया था और इस बैठक के मिनट से मान्यता दी गई। प्रारंभ में इस ट्रेन को प्रतिष्ठित अमृत भारत योजना के तहत चलाने की योजना थी। हालांकि इस योजना के लिए आवश्यक विशेष रैक की अनुपलब्धता के कारण ट्रेन अस्थायी रूप से सामान ICF कोचों के साथ संचालित की जाएगी। प्रस्तावित जोधपुर गोरखपुर विशेष ट्रेन साप्ताहिक रूप से चलाने की योजना है। ये ट्रेन जोधपुर से हर गुरुवार को शाम को 4:15 पर गोरखपुर के लिए रवाना होगी और वहीं वापसी में ये ट्रेन शुक्रवार को रात 8:50 पर गोरखपुर पहुंच जाएगी। वहीं गोरखपुर से वापसी ये ट्रेन गोरखपुर से जोधपुर के लिए शुक्रवार को रात में 11:25 पर रवाना होगी, जो कि रविवार को सुबह 4 जोधपुर पहुँच जाएगी। ये ट्रेन रतनगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमरोह, अयोध्या सहित प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। जोधपुर से गोरखपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1410 किलोमीटर। ये ट्रेन 28.5 में इस सफ़र को पूरा करेगी। इस ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, जो कि उसकी औसत गति होगी। इस विशेष ट्रेन में 20 ICF कोच शामिल होंगे, जिसमें सेकंड AC के 2 कोच दिए जाएंगे, थर्ड AC के 6 कोच होंगे, स्लीपर क्लास के 8 कोच होंगे, 2 इसमें जनरल क्लास के कोच दिए गए हैं और 2 इस ट्रेन में SLR के कोच होंगे। इस ट्रेन का जो प्राइमरी मेंटेनेंस है और रखरखाव है वो जोधपुर में ही किया जाएगा। ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव द्वारा संचालित की जाएगी। आप सभी को बताते चलें कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के CPTMS से प्रस्ताव की जांच कराने, सहमति प्रदान करने और यदि पथ में कोई कठिनाई हो तो वैकल्प पथ और समय का सुझाव देने का अनुरोध किया है। अंतिम अधिसूचना संबंधित रेलवे से पुष्टि और रेलवे बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जारी की जाएगी। ये पहल इस मार्ग पर यात्रियों के यात्रा अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने और उच्च समय के दौरान अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने की उम्मीद है। तो फिलहाल देखिए, अगर मंजूरी मिलती है तो इस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।